नैनीताल उधमसिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव ही लोगों को न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष किया है। कांग्रेस हमेशा लोगों के हित में सबसे आगे रहती है। इस बार जीत हमारी ही होगी। काशीपुर में नव चेतना भवन में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रकाश जोशी के पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक गण एवं कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। प्रकाश जोशी ने बैठक के दौरान कहा कि आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सभी सीटों पर जीत हासिल करनी है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी कर लेनी चाहिए और वोटरों के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार देश की जनता के हितों के लिए आगे बढ़ी है और खड़ी रही है और हमेशा लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती रही है। वर्तमान भाजपा सांसद की 5 वर्ष की निष्फलता सबसे बड़ा मुद्दा है, वही हमारे लिए संभावना है सबसे बड़ी। 5 वर्षों सांसद यहाँ अब तक रहे हैं और अपनी सांसद निधि का 40% भी पूरा उपयोग नहीं कर पाए। जिन गांवों को उन्होंने गोद लिया उस गांव की तरफ पलट कर नहीं गए। उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए अग्निवीर जैसी योजना आई जिसने हमारे प्रदेश के नौजवानों को जो फौज में जाने का सपना देखते हैं, देश की सेवा करने का सपना देते हैं, उनके सपने को तोड़ने का काम किया हुआ है। ये सारे उनके ही खाते में है तो ये अपने आप में हमारी संभावना को बहुत आगे बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर क्षेत्र के लिए मेरे पास भी अपने कुछ विजन है, रोजगार के लिए कुछ योजनाएं हैं, शिक्षा के लिए योजना है, स्वास्थ्य के लिए योजना है, उन पर काम करेंगे। चुनावी रणनीति है क्या, वो सार्वजनिक की जाती है? हम ताकत के साथ लड़ रहे हैं, एकजुट होकर लड़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि हमारी ताकत कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है और जो देश का माहौल है, बदलाव का माहौल दिखाई दे रहा है और हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। उसी लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और हम सब कार्यकर्ता, पूरे देश भर के कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम भी है और हम निश्चित रूप से एकजुट होकर जीत भी हासिल करेंगे। हमारे लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी वो हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का उत्साह प्रदान करने के लिए उनसे रूबरू होने के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं और आज सुबह पहले जोधपुर मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, कार्यकर्ताओं के साथ काशीपुर मीटिंग हुई और हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, हमने देखा होगा और निश्चित है, मैं समझता हूँ कि प्रकाश जोशी इस सीट से बीजेपी हासिल करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।